न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ मानसी जायसवाल। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल रही भारतीय महिला पहलवान संगीता फोगाट ने हंगरी के बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया है। जी हाँ, संगीता ने 59 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। संगीता उन 6 प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में शामिल थी जो WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। संगीता फोगाट लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी। संगीता को पहले हार मिली, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे मुकाबले में वापसी करते हुए जीत हासिल की। वो सेमीफाइनल हार गई, लेकिन हंगरी की युवा पहलवान विक्टोरिया बोर्सोस के खिलाफ कांस्य पदक के प्लेऑफ में 6-2 से जीत दर्ज करने में सफल रही। संगीता ने पिछले साल 62 किलोग्राम वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप जीता था और अब दोबारा से संगीता फोगाट यहां पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन संगीता फोगाट ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। आपको बता दें, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद संगीता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, आप सभी के बधाई के संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं, इस पल पर बहुत भावुक हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, सब आप सभी का मेडल है। मैं इस मेडल को दुनिया की उन सभी संघर्षशील महिलाओं को समर्पित करती हूँ जो महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के खिलाफ संघर्षरत है। जय हिंद। यहाँ पर जिस तरीके से संगीता फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।